नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पहली खबर आ रही है एटा से। एफआईआर दर्ज कर थाने से राशन माफिया को जमानत। राशन की कालाबाजारी जैसे मामले में मिली है ये जमानत। थानेदार पर राशन माफिया से मिली भगत का आरोप लगा है। राशन कोटेदार ने मनोज को बेचे थे राशन के 32 कट्टे। मनोज के गोदाम से सरकारी सील लगे 32 कट्टे बरामद किए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कोटे को निरस्त कर दिया। राशन माफिया मनोज को जमानत देने पर उठे हैं सवाल। सकीट थाना के गांव रेवाड़ी सकतपुर का है ये पूरा मामला। इधर अयोध्या पहुंचे प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जहां उन्होंने गैंगरेप पीड़िता से की मुलाकात। मीडिया से बातचीत में सूर्य प्रताप शाही बोले, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। महिला अपराध करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। आरोपी को राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है, जिसने संरक्षण दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव को लेकर भी बोले प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने कहा कि जो तथ्य सामने आए हैं वह अखिलेश को पता है। उनकी पार्टी के लोग इस तरह हैवानियत कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं प्रयागराज में हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी की पत्नी से हुई बदसुलूकी। अधिवक्ता आनंद राम गुप्ता पर बदसुलूकी का आरोप लगा है। समीक्षा अधिकारी की पत्नी से वकील ने की बदसुलूकी, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लिया है एक्शन। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल तिवारी ने जारी किया है नोटिस। वायरल वीडियो ऑफिसर्स एसोसिएशन के पत्र के आधार पर जारी किया गया है ये नोटिस। आरोपी वकील को ये नोटिस जो जारी किया गया है। यूपी बार काउंसलिंग से भी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा। ये घटना शर्मसार कर देने वाली है। अध्यक्ष अनिल तिवारी, वकील की कार से महिला की स्कूटी टकराने पर हुआ था ये विवाद। महिला समीक्षा अधिकारी पति को स्कूटी से हाईकोर्ट छोड़ने आई थी। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अपनी तफ्तीश कर रही है। वही ललितपुर माता टीला बांध में पानी में उतरता मिला शव की हुई पहचान। एमपी के बसई गांव के निवासी बताया गया है मृतक युवक। जानवर चराते हुए दो दोस्तों का पानी में डूबने से हुआ था हादसा। एक का एमपी क्षेत्र, दूसरे का माता टीला यूपी में मिला है शव। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बांध शव को निकाला। तालबेहट कोतवाली क्षेत्र माता टीला बांध का है पूरा मामला। इधर प्रयागराज से आए दंपति ने लखनऊ में किया सुसाइड। लखनऊ के नाटा स्थित होटल में दोनों ने सुसाइड किया। बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए पति पत्नी ने दी जान। आर्थिक तंगी के चलते प्रयागराज से आकर किया सुसाइड। होटल राजवीर इनके कमरा नंबर 302 में किया सुसाइड। आलम अंसारी और जेब अंसारी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। उधर लखनऊ में विजिलेंस की टीम ने घूसखोर दारोगा को किया गिरफ्तार। माल थाने के दारोगा अमीन खां को किया गिरफ्तार। दारोगा अमीन खां को 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। पैसे ना देने पर जेल भेजे देने की धमकी दे रहा था दारोगा। दारोगा अमीन खां के खिलाफ विजिलेंस ने दर्ज किया है केस। वहीं लखनऊ में सीएम आवास पर सीएम योगी के अधिकारियों के साथ हुई है बैठक। दोनों डिप्टी सीएम भी सीएम योगी की बैठक में मौजूद रहे। मुख्य सचिव और डीजीपी भी बैठक में मौजूद है। सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह को लेकर हुई है ये मीटिंग। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई। इधर लखनऊ वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाएंगे। 40 साल बाद कोई दूसरा भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा। शुभांशु को अंतरिक्ष स्टेशन ले जाएगी अमेरिका एजेंसी नासा। शुभांशु शुक्ला और बालकृष्ण नायर को इसरो ने ही चुना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने के लिए चुने गए शुभांशु सीएमएस अलीगंज ब्रांच के छात्र रहे हैं शुभांशु शुक्ला। वही अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम का AMU पर हमला। JN मेडिकल कॉलेज में जाने से कतराते हैं हिंदू परिवार। संसद में सांसद सतीश गौतम के बयान को प्रिंसिपल ने नकारा। बयान को JNMC प्रिंसिपल हिंदू स्टाफ ने सिरे से नकार दिया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर वीरा माहेश्वरी ने बयान में दिया है स्पष्टीकरण। उन्होंने कहा कि JN मेडिकल कॉलेज में धर्म जाति नहीं पूछी जाती। धर्म जाति नहीं, मरीज से बीमारी पूछी जाती है। 40 साल में कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला। वहीं अंबेडकर नगर पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान आया है। अयोध्या की घटना पर कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। लापरवाह पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में घटनाएं हो रही है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सीएम के सभी दावे हवाई धरातल पर, कोई सच नहीं। खाकी का कोई रसूख नहीं बचा। कानून व्यवस्था खत्म है। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम को सोचना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।